यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करने करें दिल्ली से हरिद्वार जाना चाहते हैं तो बस का टिकट प्राइस क्या होने वाला है एसी बस के टिकट प्राइस क्या होने नॉन एसी बस के टिकट प्राइस क्या होना है तो समय कितना लगने वाला है सीटर बस के टिकट प्राइस क्या होने वाला है सीटर बस के टिकट प्राइस क्या होने वाला सब कुछ यहाँ पर बताने वाला तो वीडियो तो को लाइक कर देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेलाइकन दबा देना तो दोस्तों चलते सीधे वेबसाइट पर वहाँ पर बस के टिकट प्राइस दिखाते हैं और कैसे बुक किया जाता है वो भी दिखाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं वेबसाइट्स पे गोयू डॉट कॉम पर यहाँ पर फॉर्म में डालते हैं दिल्ली यूट्यूब में डालते हैं हरिद्वार उसके बाद डेट चूज़ करते हैं 26 जुलाई 2024 उसके बाद अपडेट कर देते हैं दोस्तों कुल टोटल यहाँ पर 124 सौ चौबीस शो होती हैं और दोस्तों यहाँ बेस्ट बसेस शो हो रही हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे सस्ता बस कैसे बुक करते हैं पहले हम आपको बता दूँ यहाँ पर बस टाइप में ए नॉन ए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको नॉन ए चाहिए तो नॉन ए पे पर क्लिक करो ए सी चाहिए तो ए पे क्लिक कर दो सीट चाहिए तो सीटर पर क्लिक कर सकते हो अपने हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे सस्ता बस टिकट की प्राइस स्टार्टिंग प्राइस क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन सौ उन्यासी रुपये से स्टार्ट है तीन सौ निन्यानवे तीन सौ निन्यानवे तीन सौ निन्यानवे तीन, तीन सौ निन्यानवे चार सौ अट्ठावन चार सौ तिरसठ चार सौ चौहत्तर चार सौ निन्यानवे चार सौ उनचास चार सौ सत्तर चार सौ अट्ठासी चार सौ अट्ठा सॉरी पाँच सौ अट्ठासी पाँच सौ अट्ठासी पाँच सौ अट्ठासी पाँच सौ अट्ठासी पाँच सौ निन्यानवे ऐसे करके बहुत सारे बसेस हैं जिनकी प्राइजेस स्टार्ट है लेकिन बुकिंग करने से पहले आपको ध्यान देने वाली चीज़ है आपकी बस की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए अगर रेटिंग अच्छी नहीं है तो आपको सर्विस अच्छा नहीं मिला और आपको आज जर्नी थोड़ा सा सही नहीं रहेगा तो यहाँ पर चलेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर पहला बस है इंटरसिटी स्मार्ट बस यहाँ पर देख सकते हैं भारत बेंज ए सीटर स्लीपर बस है दोस्तों फोर की रेटिंग है और ग्यारह बज के तीस मिनट पर यह बस है और चार घंटा पैंतालीस मिनट से मिलती है।, है।, है और सोलह बज के पंद्रह मिनट पहुँचा देती है चार सौ बस के टिकट चार्ज है और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इंटरसिटी स्मार्ट बस सेम है बस इसकी टाइमिंग चेंज है दस बज के तीस मिनट पर है दोस्तों और ये चार घंटा पैंतालीस मिनट से मिलती है और पंद्रह बज के पंद्रह मिनट पर पहुँचा देती है चार प्राइज टिकट थ्री पॉइंट सेवन की रेटिंग है नेक्स्ट पर राज कर ट्रेवल्स करके है दोस्तों ये एसी सीटर बस है फोर की रेटिंग है नौ बजे बस है चार घंटा पैंतालीस मिनट मिलती है तेरह बजे पंद्रह मिनट पहुंचा देती है चार सौ चौहत्तर रुपये बस के टिकट चार्ज है नेक्स्ट यहाँ पर राम प्रताप ट्रेवल्स करके है थ्री पॉइंट एट की रेटिंग है तेईस बजकर पंद्रह मिनट बस है और पांच घंटा पंद्रह मिनट पाँच पाँच मिनट में पहुंचा देती है मतलब समय लेती है पाँच घंटा पचपन मिनट और पाँच बज के दस मिनट पहुंचा देती है चार सौ निन्यानवे रुपये बस के टिकट के चार्ज है नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ये रेटिंग सही नहीं है तो इसको हम नई बुकिंग करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे रेटिंग ये इंटरसिटी स्मार्ट बस की है फोर की रेटिंग है बाईस बज के पैंतालीस मिनट बस है पाँच घंटा तीस मिनट समय लेती है चार बज के पंद्रह मिनट पहुँचा देती है पाँच सौ बस के टिकट के चार्ज है तो इसी तरह से एक और बस देख लेते हैं सिटी लैंड ट्रेवल्स करके है दोस्तों ये ए स्लीपर बस है फोर की रेटिंग है और तीस बजे बस है पाँच घंटा पंद्रह मिनट समय लेती है चार बज के पंद्रह मिनट पहुँचा देती है पाँच सौ अट्ठासी रुपये बस के टिकट के चार्ज है इसी तरह से बहुत सारे बसेज हैं जिनके अलग अलग प्राइस अलग अलग रेटिंग है अलग अलग समय है तो दोस्तों अपने समय प्राइस रेटिंग के हिसाब से बुकिंग करने के लिए आप आजाद हैं किसी की कोई भी बस आप चूज कर सकते हैं बुकिंग करने के लिए सिंपल संभाल लीजिए हमें यह पसंद है सिलेक्ट सीट पर करेंगे सेलेक्ट सीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोर्डिंग पॉइंट डिटेल्स आ जाता है मतलब आप कहाँ से बैठेंगे कहाँ पर उतरेंगे तो यहाँ पर हम मान लीजिए कहीं भी आप बोर्डिंग पॉइंट चूज़ कर सकते हैं उसके बाद आप ड्रॉपिंग पॉइंट लगा हर की पौड़ी उसके बाद दोस्तों अपना सीट चूज़ कर सकते हैं उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपका बोर्डिंग पॉइंट डिटेल आ जाता है पूरी डिटेल रहती है तो आपका कहाँ कहाँ से बैठना है कहाँ पर उतरना है कितना प्राइज़ है तो यहाँ पर प्राइस भी शो होता है बस बुकिंग करने के लिए अपना पर्सनल इंफॉमेशन देना होता है यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो भी अमाउंट यहाँ पर शो होता है उसको पे करके अपना बुकिंग कर सकते हैं तो इस तरह से बुकिंग करनी है बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो न तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेलाइकन दबा देना